जब बात आती है खबर के असर की तो R9 भारत का नाम पहले पृष्ठ पर झलक कर सामने आता है। आज एक ऐसा ही नजारा हम आपको बताने वाले हैं जहां R9 की भारत की खबर का जबरदस्त असर हुआ है। जहां गरीब लोगों के विकास के लिए सरकारी योजनाएं बनती हैं, परंतु धरातल पर स्थिति क्या है यह सिर्फ एक सच्चा और ईमानदार चैनल ही दिखा सकता है। R9 भारत ने एक खबर को प्रमुखता से आप सभी के समक्ष रखा था जिस पर ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई हुई है और गरीब को उसका हक मिला है। बताएंगे आपको पूरी खबर। कुछ चंद रुपयों और मुनाफाखोरी के चलते अधिकारी व कॉन्ट्रैक्टर की मिलीभगत से विकास की गति रुकी हुई थी। ठीक ऐसे ही एक गड़बड़ी काम को लेकर R9 भारत ने बरगढ़ जिले के भेड़न ब्लॉक महुलपाली पंचायत के भागकूदा गांव के दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में विभाग और ठेकेदार की मिलीभगत में हुई बड़े गड़बड़ झोल और भांगकूद गांव के 88 गरीब परिवारों के विद्युत खामी में भुगत रही कठिनाइयां और दिक्कतों को न्यूज के माध्यम से लोगों तक दिखाया था, जिसको लेकर R9 भारत चैनल में 3 साल से भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के लाभ से वंचित भागकूद के गरीब हिताधिकारी किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं इसे प्रमुखता से हेडलाइन के रूप में चलाया गया था। आज R9 भारत के तरफ से चलाई गई न्यूज का असर देखने को मिला है। गुंजन भेड़न के विद्युत विभाग अधिकारी और संस्था को इस मामले में कार्रवाई करते हुए देखा गया है। शनिवार को भांगकूद गांव में 88 हिताधिकारियों के घरों में लाइन की जुड़ाई का काम संस्था ने शुरू करवा दिया है। 88 हिताधिकारी परिवारों की तरफ से यह बेहद खुशी की बात बताई जा रही है। कुछ परिवारों के घरों में लाइन आ भी चुका है, जिसे लेकर भांगकूद गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके लिए भांगकूद गांव के लोगों ने R9 भारत संवाददाता विप्लव दास का सम्मान किया और बधाई भी दी है। हमेशा R9 भारत सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत को आप तक पहुंचाता रहता है। हम बने रहिए R9 भारत पर हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए। हमर घरे लाइन जल्ला हमको बहुत खुशी लागो छ। हमर घरे जन लाइन जल्ला हमको बहुत खुशी लागो। हमर घरे जन बल जल्ला बहुत खुशी लागो। हमर घरे जन बल जल्ला आइम बहुत खुशी लागला। लाइन ना चलु थे कम्प्लेन करी सार लाइन रो लाइन वाले आसी करी हमर घरे लाइन लगाले बहुत खुशी रे अछो हमर घरे लाइन ना। R9 भारत के लिए विप्लव रंजन दास, भेड़न, बरगढ़, उड़ीसा।